रविदास जी की बात कर रहा था मैं, तो तुलसीदास की चौपाई आपने पढ़ी होगी। तुलसीदास की चौपाई है कि पूजी विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजी परम प्रवीणा। रैदास का एक दोहा पढ़ता हूं मैं, रैदास बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, रैदास बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। अब आप देखिए दो वैचारिक छोर हैं, एक वैचारिक छोर पर तुलसी खड़े हैं और एक वैचारिक छोर पर रैदास खड़े हैं। एक ब्राह्मण का केवल ब्राह्मण होने के नाते पूजा क्यों की जाए, तब तो ये जातिवाद हो गया। तो जाति खत्म करने की बात करने वाले हमारे विचारक, हमारे नायक, हमारे वैचारिक हस्ताक्षर क्या लिख रहे हैं? अगर आपको पूजा ही करनी है तो गुणों की पूजा करिए, बेशक वो चंडाल है लेकिन गुणवान है, तो उसकी पूजा करिए।